अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है पेंसिलीन की कहानी। सबसे पहले तो आप लोग अपनी किताबें निकाल लें और अपनी किताब का पेज नंबर 100 यानी सफ़ा नंबर 100 खोल लें ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सबक पेंसिलीन की कहानी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बरतानवी डॉक्टर था। इसने 1928 में जरासीम के ख़िलाफ़ एक अहम तरीन हथियार पेंसिलीन दरियाफ्त किया था। फ्लेमिंग 1881 में स्कॉटलैंड के एक देहाती घर में पैदा हुआ। तालीम स्कॉटलैंड और लंदन से हासिल की। पहली और दूसरी आलमी जंग में वो बरतानवी फ़ौज में डॉक्टर था। इस वक्त तिब्बी दुनिया का सबसे बड़ा मसला किसी ऐसी दवा की तलाश थी जो जरासीम को मार सके लेकिन इंसानी जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फ्लेमिंग ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ कर दी। अच्छा, इस चैप्टर में आपको पेंसिलीन के बारे में बताया हुआ है। पेंसिलीन जो है वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, जो कि खुद जो है वो फंजाई या मतलब बैक्टीरिया से बनती है। और ये किसने दरियाफ्त की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें आपको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हिस्ट्री बताई हुई है। क्या बताया हुआ है कि ये एक बरतानवी डॉक्टर थे। अच्छा, ये डॉक्टर थे ना, ये साइंटिस्ट थे और ना ये केमिस्ट थे, जस्ट अ डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने 1928 में जरासीम के ख़िलाफ़ एक अहम तरीन हथियार पेंसिलीन दरियाफ्त किया था। पेंसिलीन कब दरियाफ्त हुई? 1928 यानी 1928 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लें। अच्छा, अब फ्लेमिंग जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे 1881 में, और एक देहाती घर में पैदा हुए थे, मतलब एक गरीब घराने में। तालीम उन्होंने स्कॉटलैंड और लंदन से हासिल की। और पहली और दूसरी जो आलमी जंग थी वहाँ पर वो बरतानवी फ़ौज में एज अ डॉक्टर काम करते थे, ठीक है। और वहाँ उस वक्त जो है, मतलब 1990s की बात बता रही हूँ मैं आपको, तिब्बी दुनिया का बहुत बड़ा मसला था एक ऐसी दवा को दरियाफ़ करना, ऐसी दवा की तलाश करना जो कि जर्म्स को मार सके, ठीक है। मतलब अगर कोई ज़ख़म हो जाता है तो ज़ख़म में से जरासीम जो होते हैं उनको मार सके और इंसानी जिस्म को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस वजह से फ्लेमिंग ने अपनी सारी जो उनकी ज़िंदगी थी वो इसी चीज़ के लिए वक्फ़ कर दी कि मैं कोई ऐसी दवा बना सकूं जो कि जरासीम को मार सके और इंसानी जिस्म को भी कोई भी जो है नुकसान ना पहुँचाए। अब आगे है हमारे पास, एक दिन फ्लेमिंग का एक साथी जिसका नाम प्राइस था, इसकी तजुर्बेगाह हमें इससे मिलने आया। इसने देखा कि फ्लेमिंग जैद रंग के एक मादे स्टेफिलोकोकस का बगौर मुशाहिदा कर रहा है। जब इसने एक तश्तरी का ढकना उठाया तो देखा कि इस पर वो फपूंदी आ गई है जो बासी रोटी या फल पर आ जाती है। अच्छा, फपूंदी आप लोगों को पता है, जब हम कोई ब्रेड होती है हमारे पास और उसको हम 2-3 दिन तक रख दें, खुला रख दें, खुला छोड़ दें, तो उसके ऊपर ग्रीन, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की एक अलगी फंगस सा आ जाता है, फपूंदी उसको कहते हैं, ठीक है। वाइट कलर की भी होती है ये, और अचार पर आ जाती है। अचार को अगर हम बिना ऑयल के रख दें तो उस पर भी फपूंदी आ जाती है। तो अब सीन क्या था, हुआ क्या है कि फ्लेमिंग का एक साथी था, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था प्राइस, ठीक है। वह आया कहाँ पे, उसकी तजुर्बा का आया, मतलब लेबॉर्ट्री में उससे मिलने आया। और उसने ये देखा कि जो फ्लेमिंग थे वो जर्द रंग के मादे यानी येलो कलर के मादे से, जिसका नाम था स्टेफिलोकोकस, ठीक है, उसका बहुत मुशाहिदा कर रहे थे, उसको देख रहे थे। जब उसने एक तश्तरी का ढकना उठाया, तश्तरी मतलब एक समझ लें एक ट्रेड सी थी, उसका जब ढकना उठाया तो इस पर वो फपूंदी आ गई थी, ठीक है, जो बासी रोटी या फल पर आ जाती है। फ्लेमिंग ने फौरन ही एक दिलचस्प मुशाहिदा किया और इस पर प्राइस की तवज्जो इस तरफ दिलाई। इस फपूंदी के चारों तरफ वो जरासीम नज़र नहीं आ रहे थे जो इसने जर्द रंग के मादे में देखे थे। क्या फपूंदी कोई ऐसा जरासीम कश मादा पैदा करती थी जो जरासीम को मार दे या इनकी अफजाइश को रोक सके? इस बात की तस्दीक के लिए फ्लेमिंग ने बारी बारी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम इस तश्तरी में मुंतकिल किए। इसके बाद वह तश्तरी को ढककर रात भर के लिए वहीं छोड़ देता। अगले दिन फपूंदी से जरासीम की सीधी सीधी धारियां जैसी निकलती नज़र आती। अच्छा, अब हुआ क्या कि उन्होंने एक तश्तरी ली, पहले तो एक उन्होंने येलो कलर का मादा यानी येलो कलर का एक वो देखा, स्टेफिलोकोकस नाम का एक मादा देखा, मैटर देखा, जहाँ जिसमें उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे जर्म्स थे, ठीक है। और फिर उन्होंने एक तश्तरी देखी, एक तश्तरी रखी हुई थी जिसमें फपूंदी आ गई थी, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा कि जो फपूंदी है उसके चारों तरफ जरासीम नहीं नज़र आ रहे थे, जैसे वो जो जर्द रंग का मादा था उसके ऊपर जो फपूंदी आई थी, उस फपूंदी की वजह से जो जर्म्स थे वो दूर जा रहे थे या वो मर जाते थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि शायद फपूंदी कोई ऐसा मादा पैदा करती है, ऐसी कोई चीज़ पैदा करती है जिससे जरासीम मर जाते हैं या फिर उनकी अफजाइश रुक जाती है, ठीक है। इस बात की तस्दीक के लिए फ्लेमिंग ने क्या किया,
कि बारी बारी एक एक करके अलग अलग तरह के जरासीमों को उस तश्तरी में मुंतकिल किया और वो पूरी रात तश्तरी को ढक के रख देते थे और नेक्स्ट डे जब देखते थे तो क्या होता था कि जरासीम की सीधी सीधी धारियां जैसी निकलती थी। ठीक है, फ्लेमिंग को ये देखकर खुशी हुई कि कुछ जरासीम फफूंदी के किनारे से कुछ दूरी रह जाते थे और कुछ बढ़कर किनारे तक पहुँच जाते थे। इससे फ्लेमिंग ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि फफूंदी से कुछ जरासीम तो मर जाते हैं और कुछ नहीं मरते। ठीक है, अब उन्हें क्या देखा कि कुछ तो फफूंदी की से दूर हैं, ठीक है, वहीं पर रह जाते हैं, आगे नहीं आते, लेकिन कुछ उसके करीब भी आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फफूंदी से काफ़ी जरासीम मर जाते हैं लेकिन काफ़ी जो हैं वो नहीं मर पाते। फ्लेमिंग को ये देखकर और भी खुशी हुई कि इन मरने वाले जरासीम में से कुछ वो थे जो बीमारियां पैदा करते हैं। इसका मतलब ये था कि फफूंदी का पैदा करता जरासीम कश बांधा बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को हलाक कर सकता है, इसलिए इंसानों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फ्लेमिंग को फौरन ये बात मुमकिन नज़र आई। अच्छा, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मरने वाले जरासीम थे जो फफूंदी से मर गए थे वो जर्म्स थे जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब था कि फफूंदी का जो जरासीम होते हैं, फफूंदी से जो जर्म्स पैदा होते हैं वो उन जर्म्स को मार देते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, और फिर अब उन्होंने क्या सोचा कि इससे इंसानों का इलाज भी किया जा सकता है। अब फ्लेमिंग ने एक ग़िज़ाई मादे में ये फफूंदी पैदा की और देखा कि इसके नीचे का माया जर्द हो गया है। इसके बाद इसने कुछ तश्तरियों में खमीर पैदा किया और इनमें कुछ खला पैदा करके इसमें ये जर्द माया भर दिया। किनारे से खला तक कई किस्म के जरासीम मुंतकिल किए गए और तश्तरी को ढांक कर छोड़ दिया गया। फिर वही बात हुई जो पूरी फफूंदी में हुई थी, कुछ जरासीम खला से कुछ फासले पर रुक गए और कुछ कसीर तादाद में किनारे तक चले आए। अच्छा, अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने एक जर्द रंग का माया लिया, ठीक है, एक ग़िज़ाई मादे में, मतलब जो खाने की चीज़ें थी, खाने की चीज़ों में फफूंदी पैदा की और ये देखा कि उसके जो नीचे की चीज़ थी वो जर्द हो गई, येलो हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रे में, कुछ प्लेट्स में खमीर पैदा किया और उनमें कुछ स्पेस देके ये जर्द माया भर दिया। ठीक है, पीछे नीचे खमीर रखा, उसके बाद कुछ स्पेस दिया और ऊपर जर्द जो माया पैदा हुआ था वो भर दिया। किनारे से खला तक कई किस्म के जरासीम मुंतकिल किए गए और तश्तरी को ढांक कर छोड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने जर्म्स डाले, उस स्पेस में काफ़ी जर्म्स डाल दिए और उस ट्रे को ढक कर छोड़ दिया। फिर वही बात हुई जो पूरी फफूंदी में हुई थी कि कुछ जरासीमों का क्या हुआ, कुछ जरासीम जो है वो वहीं पर रुक गए, ठीक है, दूर उससे, और कुछ जो हैं वो किनारे तक आ गए। इस तरह फ्लेमिंग को यकीन हो गया कि फफूंदी में कोई ऐसी कीमियाई मादा पैदा होता है जो अगर खून में सराइयत करता हुआ दूर तक आ जाए तो वो जरासीम को मार देता है या उनकी अफजाइश रोक देता है। अच्छा, अब इस तरह फ्लेमिंग को क्या पता चला कि फफूंदी में कोई ऐसा केमिकल होता है, कोई ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है जो अगर हमारे ब्लड में, पूरे ब्लड में समा जाए, मतलब फैल जाए, सराइयत मतलब समा जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारे जर्म्स को मार देगा या उनकी अफजाइश को रोक देगा, जो भी हमारे ख़तरनाक वाले जर्म्स होंगे उनको रोक देगा। फ्लेमिंग को ये भी ख्याल आया कि अगर वो फफूंदी का ये रस कसीर मकदार में तैयार कर दे तो वो बाद मुतादी अमराज के लिए अक्सर पैदा साबित होगा। अच्छा, उन्होंने क्या ये सोचा कि अगर ये फफूंदी का रस, यानी इस फफूंदी का जूस जो है वो अगर मैं ज़्यादा तैयार कर लूँ तो वो ज़्यादा अमराज के लिए जो है वो नहायत फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। फ्लेमिंग को ये ख्याल, अच्छा आगे क्या है, क्योंकि ये अमराज जरासीम से ही फैलते हैं, मसलन खून की समेत जहर आलूद हो जाना जो इंसान के तकरीबन मोहलिक साबित होती है। फ्लेमिंग ने खुरदबीन से फफूंदी को गौर से देखा तो इसे फफूंदी जैसा पाया जो बासी रोटी पर आ जाती है। इस रियायत से इसने अपनी जरासीम कश दरियाव का नाम पेंसिलीन रखा। अच्छा, अब उन्होंने क्या सोचा कि ये जो अमराज हैं, जैसे मुतादिदी अमराज होते हैं, मुतादिदी अमराज वो होते हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलते हैं, ठीक है, उस एक शख्स को अगर हुआ है तो उससे दूसरे शख्स को भी हो जाएगा, तो ऐसे अमराज को पेंसिलीन रोक सकती थी। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या था, जहर खून जब जहर आलूद हो जाता है तो क्या होता है, अगर एक खून जहर आलूद है वो दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो भी इंसान की जान ख़तरे में आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो उन्होंने फ्लेमिंग ने खुरदबीन से फफूंदी को गौर से देखा तो उससे फफूंदी जैसा ही पाया। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम पेंसिलीन रख दिया। पेंसिलीन किसने रखा कि उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको फफूंदी जैसा ही पाया जो रोटी पर आ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इस जरासीम कश दरियाफ्त का नाम भी पेंसिलीन ही रख दिया। अब हम इससे आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। शुक्रिया।